CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 8 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक अपनी जबान के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम जी आया साहब। लेखक सादत हसन मंटो। बावर्ची खाने की धुंधली फिजा में दूर कोने में पानी के नल के पास एक छोटी उम्र का लड़का बैठा बर्तन साफ करने में मशगूल था। ये इंस्पेक्टर साहब का नौकर था। बर्तन साफ करते वक्त ये लड़का कुछ गुनगुना रहा था। लड़के की आंखें नींद से बंद हुई जा रही थी। सर सख्त भारी हो रहा था, मगर काम किए बगैर आराम ये क्यों कर मुमकिन था। दफ़तन लड़के ने नींद के नाकाबले मغلوب हमले को महसूस करते हुए अपने जिस्म को एक जुम्बिश दी और जी आया साहब गुनगुनाता हुआ फिर काम में मशगूल हो गया। जी साहब। अरे तेरे बर्तन साफ नहीं हुए अभी तक। बस साहब अभी साफ हो जाते हैं। कितनी देर लगा दी साहब? बर्तन राख से साफ करने के बाद पानी से धोकर करीने से रखना भी तो था। और ये काम जल्दी ना हो सकता था साहब? अब तुम जाओ। जी आया साहब। जी आया साहब। लड़का जो उन्हीं अल्फाज की गर्दानी कर रहा था भागकर अपने आका के पास गया। जी साहब। इंस्पेक्टर साहब ने कंबल से मुंह निकाला और लड़के पर खफा होते हुए कहा, बेवकूफ के बच्चे, आज फिर यहाँ सुराही और गिलास रखना भूल गया है। साहब अभी लाया साहब। अब तुम जाओ। जी साहब। कमरे में सुराही और गिलास रखने के बाद वो अभी बर्तन साफ करने के लिए बैठा ही था कि फिर उस कमरे से आवाज आई। अरे कासिम, ओ कासिम। जी आया साहब। कासिम भागता हुआ अपने आका के पास गया। बंबई का पानी किस कदर खराब है, जाओ पारसी के होटल से सोडा लेकर आओ। बहुत अच्छा साहब। बस भागते हुए जाओ, सख्त प्यास लग रही है। अभी लाया साहब, अभी लाया। कासिम भागा हुआ गया और पारसी के होटल से, जो घर से करीबन निस्फ मील के फासले पर वाके था, सोडे की बोतल ले आया और अपने आका को गिलास में डालकर दे दी। साहब। लाओ। अब तुम जाओ। मगर इस वक्त तक यहाँ क्या कर रहे हो? बर्तन साफ नहीं हुए क्या? अभी साफ होते हैं साहब। और हाँ, बर्तन साफ करने के बाद मेरे स्याह बूट को पॉलिश कर देना। बहुत अच्छा साहब। मगर देखना, एहतियात रहे, चमड़े पर कोई खराश ना आए, वरना। जी साहब। कासिम को वरना के बाद का जुमला बखूबी मालूम था। वो बावर्ची खाने में वापस चला गया और बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। अब नींद उसकी आंखों में सिमटी चली आ रही थी, पलकें आपस में मिली जा रही थी, सर में सीसा उतर रहा था, ये ख्याल करते हुए कि साहब के बूट भी अभी पॉलिश करने हैं। कासिम ने अपने सर को जोर से जुम्बिश दी और वही राग अलापना शुरू कर दिया। जी आया साहब।
मगर नींद का तूफान हजार बंद बांधने पर भी ना रुका। अब उसे महसूस होने लगा कि नींद जरूर गलबा पाकर रहेगी, लेकिन अभी बर्तनों को धोकर उन्हें अपनी अपनी जगह पर रखना बाकी था। जी आया साहब, जी जी बूट अभी साफ हो जाता है साहब। उस वक्त एक अजीब ख्याल उसके दिमाग में आया। बाहर में जाए बर्तन और चूल्हे में जाए बूट। क्यों ना थोड़ी देर इसी जगह पर सो जाऊं। उसके कान बूट बूट की आवाजों से गूंज उठे। अरे मेरे बूट, अरे पॉलिश हो गई क्या? मेरे बूटों पर पॉलिश हो गई? बहुत अच्छा साहब, अभी पॉलिश करता हूँ साहब, अभी पॉलिश करता हूँ। बड़बड़ाता हुआ कासिम उठा, जैसे उसके आका ने अभी बूट रोगन करने के लिए हुक्म दिया हो। अभी कासिम बूट का एक पैर भी अच्छी तरह पॉलिश करने ना पाया था कि नींद के गलबे ने उसे वहीं पर सुला दिया। सुबह जब इंस्पेक्टर साहब ने अपने नौकर को बाहर बरामदे में बूटों के पास सोया हुआ देखा, ये जानवर की तरह यहां बेहोश पड़ा है और मुझे ख्याल था कि इसने बूट साफ कर दिए होंगे, तो उसे ठोकर मारकर जगाते हुए कहा, अरे कासिम उठ, उठ जा। अभी आया साहब, अभी आया। नमक हराम, आया साहब, उठ जा। मैं सो गया था साहब, अभी बूट पॉलिश हो जाते हैं, अभी बूट पॉलिश हो जाते हैं। ये कहते हुए उसने जल्दी जल्दी बूट को ब्रश से रगड़ना शुरू कर दिया। अरे कासिम! जी जी आया साहब, अभी आता हूँ साहब। कासिम भागा हुआ नीचे आया और अपने आपा के पास खड़ा हो गया। जी जी साहब। देखो आज हमारे यहाँ मेहमान आएंगे, इसलिए बावर्ची खाने के सारे बर्तन अच्छी तरह साफ कर रखना। जी ठीक है। फर्श भी धुला हुआ होना चाहिए। बहुत अच्छा साहब। इसके अलावा तुम्हें मुलाकाती कमरे की तस्वीरों, मेजों और कुर्सियों को भी साफ करना होगा, समझे? बहुत बेहतर साहब। मगर ख्याल रहे, मेरी मेज पर एक तेज धार चाकू पड़ा हुआ है, उसे मत छेड़ना वरना। जी जी मैं ख्याल रखूंगा। मैं अब दफ्तर जा रहा हूँ, ठीक है? मगर ये काम 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, समझे? जी, जी 2 घंटे में हो जाएगा, मैं कर लूंगा साहब, मैं कर लूंगा। इंस्पेक्टर साहब दफ्तर चले गए। कासिम बावर्ची खाना साफ करने में मशगूल हो गया। 1.5 घंटे की अंथक मेहनत के बाद उसने बावर्ची खाने के तमाम कामों को खत्म कर दिया और हाथ पांव साफ करने के बाद झाड़न लेकर मुलाकाती कमरे में चला गया। अभी तमाम कमरा साफ करना था और वक्त बहुत कम रह गया था, चुनांचे कासिम ने जल्दी जल्दी कुर्सियों पर झाड़न मारना शुरू कर दिया। अभी वो कुर्सियों का काम खत्म करने के बाद मेज साफ करने जा रहा था कि उसे यकायक ख्याल आया, आज मेहमान आ रहे हैं, खुदा मालूम जाने कितने बर्तन साफ करने पड़ेंगे। ये नींद कमबख्त कितना सता रही है, मुझे तो कुछ ना हो सकेगा। क्या करूं? अरे चाकू, तेज धार चाकू। कासिम यही तुम्हारी मुसीबत को खत्म कर सकता है। कासिम ने तेज धार चाकू उठा अपनी उंगली पर फेर लिया। खून, इतना खून। नींद में प्यारी नींद।
अब वो शाम के वक्त बर्तन साफ करने की जहमत से बहुत दूर था और नींद प्यारी प्यारी अब उसे बआसानी नसीब हो सकती थी। उंगली से खून की सुर्ख धार बह रही थी। थोड़ी देर के बाद वो भागा हुआ अपने आका की बीवी के पास गया, जो जनान खाने में बैठी सिलाई कर रही थी। बीवी जी, ये देखिए खून। अरे कासिम, कमबख्त मारे। हाँ, साहब के चाकू को छिड़ा होगा तूने। बीवी जी, बस मेज साफ कर रहा था, उसने काट खाया। कासिम अपनी फतेह पर जेरे लब मुस्कुरा रहा था। उंगली पर पट्टी बंधवा कर कासिम फिर कमरे में आ गया और मेज पर पड़े हुए खून के धब्बों को साफ करने के बाद खुशी खुशी अपना काम खत्म कर दिया। आका की खफकी आने वाली मसरत ने भुला दी और कासिम कूदता फांदता हुआ अपने बिस्तर में जा लेटा। 3-4 रोज तक बर्तन साफ करने की जहमत से बचा रहा, मगर उसके बाद उंगली का जख्म भर आया। अब फिर वही मुसीबत नमूदार हो गई। कासिम, साहब की जुराबें और कमीजें धो डालो। बहुत अच्छे बीवी जी। कासिम, ओ कासिम। जी बीवी जी। कमबख्त मारे, तोते का पिंजरा किस कदर गलीज हो रहा है, इसे साफ क्यों नहीं करते? अभी हो जाता है बीवी जी। हाँ, जाओ करो। कासिम, अभी खाक रूब आता है, तुम पानी डालते जाना, वो सीढ़ियों को धो डालेगा। बहुत अच्छा साहब। कासिम, जरा भाग के एक आने का दही तो ले आना। अभी चला बीवी जी। एक रोज इंस्पेक्टर साहब की मेज साफ करते वक्त उसके हाथ खुद ब खुद चाकू की तरफ बढ़े और एक लम्हे के बाद उसकी उंगली से खून बह रहा था। इंस्पेक्टर साहब और उनकी बीवी कासिम की ये हरकत देखकर बहुत खफा हुए, चुनांचे सजा की सूरत में उसे शाम को खाना ना दिया गया, मगर वो अपनी ईजाद करदा तरकीब की खुशी में मगन था। एक वक्त रोटी ना मिली, उंगली पर मामूली सा जख्म आ गया, मगर बर्तनों का अंबार साफ करने से निजात मिल गई। ये सौदा कुछ बुरा ना था। चंद दिनों के बाद उसकी उंगली का जख्म ठीक हो गया। अब फिर काम की वो भरमार शुरू थी। 15-20 रोज गधों सी मशक्कत में गुजर गए। इस अरसे में कासिम ने बार बार इरादा किया कि चाकू से फिर अपनी उंगली जख्मी करे, मगर अब मेज पर से वो चाकू उठा लिया गया और बावर्ची खाने वाली छुरी कुंद थी। एक बार उसके आका ने उसे अलमारी साफ करने को कहा, जिसमें अद्वियात की शीशियां और मुख्तलिफ चीजें पड़ी हुई थी। अलमारी साफ करते वक्त उसे दाढ़ी मोड़ने का एक ब्लेड नजर आया। ये उस तरह। ब्लेड को पकड़ते ही उसने अपनी उंगली पर फेर लिया। धार थी बहुत तेज और बारीक, उंगली में दूर तक चली गई, जिससे बहुत बड़ा जख्म बन गया। कासिम ने बहुत कोशिश की कि खून निकलना बंद हो जाए, मगर जख्म का मुंह बड़ा था, वो ना थमा। ये तो बहुत दर्द हो रहा है, इतना खून निकल गया, क्या करूं? सेरों खून पानी की तरह बह गया। ये देखकर कासिम का रंग कागज की मानिंद सफेद हो गया। भागा हुआ अपने आका की बीवी के पास गया। बीवी जी, मेरी उंगली में सांप का उस तरह लग गया। कासिम, अब तुम हमारे घर में नहीं रह सकते। वो क्यों बीवी जी? ये साहब से दरियाफ्त करना। 4 बजे के करीब इंस्पेक्टर साहब दफ्तर से घर आए और अपनी बीवी से कासिम की नई हरकत सुनकर उसे फौरन अपने पास बुलाया। देखो इस कामचोर की हरकतें हैं। क्यों मियां, ये उंगली को हर रोज जख्मी करने के क्या मानी है? क्या माने बता। बीवी जी, तुम नौकर ये समझते हो
कि हम लोग अंधे हैं और हमें बार बार धोखा दिया जा सकता है। मेरी बात तो सुनिए। अपना बोरिया बिस्तरा दबाकर नाक की सीध में यहाँ से भाग जाओ। साहब नहीं। सुन लिया ना? नहीं। मेरी बात तो सुनिए साहब। नहीं, हमें तुम जैसे नौकर की कोई जरूरत नहीं। और क्या? समझे? नहीं साहब। साहब का बच्चा। साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। तेरी बकाया तनख्वाह का एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा। बस हो गया ना साहब। मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। निकल 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 निकल। कासिम रोता हुआ कमरे से बाहर चला गया और अपना बिस्तरा लेकर वो सीढ़ियों से नीचे उतर गया। खैराती अस्पताल में एक नौखेज लड़का दर्द की शिद्दत से लोहे के पलंग पर करवटे बदल रहा है। पास ही दो डॉक्टर बैठे हैं। बच्चे जरा हाथ आगे करो, ऊपर करो, दर्द हो रहा है? ठीक है। इनमें से एक डॉक्टर अपने साथी से मुखातिब हुआ। डॉक्टर आप ये रिपोर्ट देखेंगे? अच्छी जख्म खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुका है, हाथ काटना पड़ेगा। जी मैं अभी फॉर्म भर देता हूँ। नाम मोहम्मद कासिम, वल्द अब्दुल रहमान मरहूम, उम्र 10 साल। जी आया साहब, लेखक सादत हसन मंटो। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर चमन आरा, कलाकार परवेज गौहर, सुचित्रा गुप्ता, नीरज शर्मा, कीमती आनंद और रक्षित थपलियाल, बाल कलाकार रितिका तंवर, ध्वनियांकन बटीलैंग लिंगडो और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।